अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड. टुडे डेट इज अप्रैल 30, 2021 एंड द डे इज फ्राइडे. फ्राइडे इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड हैप्पी डे. एज वी हैड ऑलरेडी डन आवर रीडिंग इन क्लास, so let's go towards the question. Question one is, what do we learn about the horse? Open your page 24 and the question one is, what do we learn about the horse from his appearance and behavior? उन्होंने हमसे पूछा है कि जो horse है उसकी appearance और उसका behavior क्या है. Appearance होती है उसकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत. We learn that the horse is very old and shaggy. He is lame and half blind. He is a bit sad, but he responds to human touch. वो कह रहे हैं कि जो उसकी अपेरेंस है वो ये है कि वो हॉर्स जो है वेरी है, थका हुआ है, ओल्ड बुरा है एंड शैगी, और उसको उसका जो कोट ऊपर वाला वो मैलक चला है. उसके बाद वो ही इज लेम, वो लंगड़ा है एंड हाफ ब्लाइंड और आधा अंधा भी है. उसके बाद उन्होंने पूछा कि उसका बिहेवियर क्या है, वो लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करता है. तो ही इज़ अ बिट सैड, वो बहुत उदास है. बट ही रिस्पॉन्स टू ह्यूमन टच, क्योंकि वो लोगों का रिस्पॉन्स चाहता है. वो ये बात इसलिए कर रहा है कि जब जो पासर्स हैं वो उसके पास से गुजरते हैं तो घोड़े को कोई रिस्पॉन्स नहीं देते और वैसे ही पास से साइलेंटली गुजर जाते हैं. तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि जो घोड़ा है वो बहुत सैड है और वो लोगों का अपनी तरफ रिस्पॉन्स चाहता है. दिस इज़ द क्वेश्चन वन. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, वट डज द पोइट आस्क द रीडर टू डू? जो पोइट है वो रीडर से क्या कहता है? पोइट जो है वो रीडर से कहता है कि वेन यू पास बाय द फील्ड ऑफ हॉर्स, वो कहता है कि जब आप इस घोड़े की जो खेत है उनके पास से गुजरें तो दो या तीन अल्फाज बोलने के लिए रुक जाए. द पोइट सेज दैट स्टॉप फॉर अ वर्ड और टू एंड टच हिम सॉफ्टली. इट्स मीन कि आप घोड़े के पास रुक जाएं, उसे अपनी हमदर्दी शो करवाएं, उसकी जो मेन है उसके जो बाल हैं गर्दन के ऊपर और सर के ऊपर, उसके ऊपर एक सॉफ्ट सा टच दें और घोड़े के साथ अपने हमदर्दी के, अपने दोस्ती के अल्फाज बोलें. द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डज द हॉर्स फील दैट लाइफ नाउ इज नॉट सो बैड? वो अब हमसे पूछ रहे हैं कि हॉर्स किस कंडीशन में हो. तो वो कहता है कि लाइफ अब बैड नहीं है, अब लाइफ मेरी बहुत अच्छी होने जा रही है. तो ये उस वक्त ही हो सकता है, हम हॉर्स की लाइफ को उस वक्त ही बेटर बना सकते हैं जब द हॉर्स फील्स गुड व्हेन अ पासर बाय गिव द सॉफ्ट टच टू इट्स मेन और हिज शैगी कोट. कह रहे हैं कि जब हम हॉर्स को, जब हम हॉर्स के पास से गुजरने वाले जो लोग हैं वो उसकी मेन, उसकी जो गर्दन पे बाल हैं और उसके जो सर के ऊपर बाल हैं उनको एक हल्का सा टच देंगे, प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरेंगे और उसके जो शैगी कोट है उसके ऊपर, जो मैलक चला कोट है उसके ऊपर, तो हॉर्स जो है वो बहुत अच्छा फील करेगा और वो ये फील करेगा कि अब जो मेरी लाइफ है वो इतनी बैड नहीं है. ये थे आपके क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोइम विच नेम इज द ओल्ड ब्राउन हॉर्स. तो सुबह अब आप लोग क्या करेंगे, पेज 24 क्वेश्चन नंबर 1 है, ए टू सी, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे. सबसे पहले आप लोग मार्जिन लाइन लगाएंगे, डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे, नेम लिखेंगे पोइम को. उसके बाद आप लोग इसी तरह सेम अपनी कॉपी पे प्यारी सी राइटिंग में आप लोग नोट करेंगे और लर्न भी करेंगे. मैं आप लोगों से किसी से भी मैं सुन भी सकती हूँ जैसे. सो अल्लाह हाफिज़, खुदा आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें.